दोस्तों हर बड़े स्पेस मिशन में भारत या फिर भारतीयों का नाम तो जरूर रहता है, चाहे वो इसरो का हो या फिर किसी और बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का। भारतीयों के बिना कोई स्पेस मिशन अधूरा रहता है। ठीक वैसे ही कोलंबिया स्पेस मिशन भी अधूरा होता अगर उस मिशन में कल्पना चावला नहीं होते, लेकिन वो मिशन उनके लिए आखिरी मिशन हो गया। तो चलिए दोस्तों आज कल्पना चावला के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मार्च 1962 जन्म हुआ एक बच्ची का जो आगे जाकर इतिहास रचने वाली थी। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा में हुआ था और उन्होंने अपना पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में शुरू किया और इसके बाद 1976 को उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल किया। दोस्तों कल्पना चावला बचपन से ही अंतरिक्ष के बारे में जानने में उत्सुक थे। वो हर रात को तारों की तरफ देखकर एक ही सपना देखते थे कि वो एक दिन स्पेस में जरूर जाएंगे और इस जुनून की वजह से उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से जब डिग्री हासिल किया उसके बाद वो 1982 को अमेरिका चले गए। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपना मास्टर्स हासिल किया और इस दौरान वो जिम प्योरे हैरिसन से मिले और 1983 को उन दोनों का शादी हो गया। फिर 1988 को यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से उन्होंने PhD कंप्लीट किया और फिर उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। कल्पना चावला के अपने काम में लगन को देखकर नासा ने 1966 को उनको क्रूड मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया। फिर आखिर 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल से STS-87 मिशन के लिए वो अंतरिक्ष के ओर रवाना हो गए और इस मिशन के बाद कल्पना चावला स्पेस में जाने वाले पहले महिला बन गए। इस मिशन पर वो और उनके साथ 6 और क्रू मेंबर्स थे। उन्होंने 15 दिन और 16 घंटे आउटर स्पेस में गुजारा और 5 दिसंबर 1997 को वो धरती पे लौट आए। लेकिन इस मिशन के दौरान कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आए थे और लोगों का ये मानना था वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स कल्पना चावला के वजह से ही आए थे, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि कल्पना चावला निर्दोष है और इसके बाद नासा ने कल्पना चावला को 2001 को एक और क्रू मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया जिस मिशन का नाम था STS-107। लेकिन STS-107 मिशन से पहले स्पेस शटल में कई सारे खराबी आए थे और एक बार तो स्पेस शटल में क्रैक भी मिल गया था और इन चीजों की वजह से ये मिशन 2 साल डिले हुआ और आखिरकार 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला और उनके साथ 6 और क्रू मेंबर्स ने कोलंबिया स्पेस शटल से अंतरिक्ष के ओर उड़ान भरा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह मिशन वो 7 क्रू मेंबर्स के आखिरी मिशन होगा। लॉन्चिंग के बाद 15 दिन और 22 घंटे स्पेस में गुजारने के बाद 1 फरवरी 2003 को वो धरती की तरफ आने लगे, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के आउटर एटमोस्फेयर में घुसने लगे अचानक से क्रू मेंबर्स को एक झटका महसूस हुआ और इस झटके के बाद अचानक से टेम्परेचर बढ़ने लगा। एयर प्रेशर की वजह से सभी बेहोश होने लगे और कुछ ही समय में अंदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि उनके स्किन मोम की तरह गलने शुरू हो गया और कुछ ही समय में वो 7 क्रू मेंबर्स का एक दर्दनाक मौत हो गया और इसके बाद वो स्पेस शटल जलकर टुकड़ों में बिखर गया। कल्पना चावला जो तारों को देखकर बचपन में ये सपना देखती थी कि वो एक दिन स्पेस में जाएगी, वो आखिरकार उन तारों में कहीं खो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। इस बात को जानने के लिए कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन जारी रहा और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पता चला सब इस बात को जानकर चौंक गए। रॉकेट में लगे जो फ्यूल टैंक था वो उस फ्यूल टैंक से एक टुकड़ा टूटकर स्पेस शटल के विंग्स पर आके लग गया और इस वजह से स्पेस शटल के विंग में एक होल बन गया जिससे ये पूरा हादसा हुआ। चलिए इस चीज को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। कोई भी स्पेस शटल को लॉन्च करने के लिए रॉकेट की जरूरत होता है। रॉकेट फ्यूल के मदद से चलता है और इस फ्यूल को हीट से बचाना होता है और इस वजह से फ्यूल टैंक के ऊपर कई सारे इंसुलेशन कोटिंग किए जाते हैं। रॉकेट के लॉन्चिंग के दौरान ही फ्यूल टैंक से इंसुलेटिंग फोम का एक टुकड़ा टूटकर आकर स्पेस शटल के विंग्स पर लग गया जिससे विंग्स पर एक होल हो गया।
लेकिन रिसर्चर्स को यह लगा कि इतना छोटा एक हिस्सा इतना बड़ा हादसा कैसे कर सकता है। इसके बाद इस चीज को ही लैब पर कई बार दोहराया गया और इसके बाद ये कंफर्म किया गया कि इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने अपने एक ब्लॉग पर यह कहा कि इस हादसे के बारे में नासा को पहले से पता था, लेकिन नासा ने सभी क्रू मेंबर्स से इस चीज को छुपाया और सारे क्रू मेंबर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि अगर उन्हें बता भी दिया जाता तो बचने का और कोई रास्ता नहीं था और वो ये नहीं चाहते थे कि वो आखिरी के कुछ समय इस टेंशन में गुजारे। अब दोस्तों, नासा ने जो किया वो शायद कुछ ना कुछ सोच समझ के ही किया होगा और जो होना था वो तो कोई नहीं टाल सकता। कल्पना चोला का दूसरा स्पेस मिशन आखिरी स्पेस मिशन बन गया। दोस्तों, उनके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और वैसे दोस्तों, आपका क्या सपना है ये कमेंट में जरूर बताना और आप में से कौन कल्पना चोला जैसा बनना चाहता है वो भी कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।